श्री कृष्ण, जय गौ माता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एक बहुत विषय प्रचलन में चला हुआ है और कई बार लोग आकर के उस विषय में पूछते भी हैं। हम गौरक्षा के मार्ग पर चले हैं, इसलिए इस विषय पर बोलना अति आवश्यक था, इसलिए विचार किया कि इस विषय को आप तक पहुंचाया जाए। आज के समय पर एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है गौरक्षकों के ऊपर, जहां सरकार भी और आम जनता भी इस प्रश्न को बार बार खड़ा करती है, क्या गौरक्षकों को जिस प्रकार उत्पात अहिंसा जो हो रही है, क्या होनी चाहिए या नहीं। और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय देने जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी गौरक्षक होगा वो अहिंसा का पालन करेगा, क्योंकि गाय की रक्षा करना अर्थात संपूर्ण विश्व की रक्षा करना, चाहे वो जीव हो, चाहे मानव हो या फिर कोई पशु, हर जीव की रक्षा करना ही एक गौरक्षक का सच्चा उद्देश्य है। अभी एक घटना घटी जहां एक व्यक्ति किसी धर्म से जो जुड़ा हुआ है उसको ले, वो गायों को ले जा रहा है, और कुछ लोगों ने मिलके उस पर हमला किया और जो नहीं होना चाहिए था उसकी मृत्यु हुई। और इसका जो पूरा परिणाम है वो गौरक्षकों पर उंगली उठाया गया हर स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कुछ राज्यों में क्या गौरक्षकों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, एक विषय उठा। लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूं, जो रोक गौरक्षकों पर लग रही है, काश वही रोक वही नियम गौहत्यारों पर लग जाता तो आज ये सोचने का और एक प्रश्न उठाने का समय ही नहीं आता। क्योंकि जो लोग गौहत्या कर रहे हैं या जो गौ की तस्करी कर रहे हैं या जो चीज अवैध है उस चीज को कर रहे हैं नियम को तोड़ते हुए, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उन लोगों के ऊपर कुछ नियम कुछ दंड व्यवस्था बनाए और उन्हें रोके। हाँ, अहिंसा गलत है, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते और ना ही कोई गौरक्षक ले सकता, लेकिन क्या करे, एक गौरक्षक के पास ऐसी कौन सा मार्ग है जिस पर वो चले। अगर वो एक गौहत्यारे को पकड़ भी लेता है और वो पुलिस स्टेशन लेकर भी जाता है तो क्या होगा, एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में वो गौहत्यारा छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो गाय की हत्या करेगा, गौ तस्करी करेगा। क्यों ना सरकार एक ऐसा नियम बनाए कि जो आम जनता या जो गौ अपने आप को गौ सेवा मानते हैं वो लोग नियम को हाथ में लिए हैं। क्यों ना ऐसा दिन आए जब उनको नियम हाथ में लेना ही ना पड़े, सरकार कुछ ऐसे नियम बना दे, ऐसे कठोर नियम बना दे जिस पर सरकार के द्वारा एक दबाव हो, जिससे गौहत्या करने वालों को गौ माता की तस्करी करने से, गौ माता पर अत्याचार करने से 10 बार वो सोचे। तो मेरी यही प्रार्थना है, कृपया केवल गौरक्षकों पर उंगली उठाना या जो गौ सेवा कर रहे हैं उन पर उंगली उठाना ये गलत है। हाँ, गौरक्षकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का उत्पात या अहिंसा या कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा ना किया जाए, क्योंकि हमारे नाम के साथ गौ माता का नाम जुड़ा हुआ है और गौ माता वात्सल्य से परिपूर्ण है। हमको वो वात्सल्यता, वो गौ माता का प्रेम सबको दिखाना है, बताना है कि वास्तविकता में हम गौ सेवक हैं और शांति से भी हम गाय की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सरकार कृपया इस बात पर ध्यान दे, कुछ दंड व्यवस्था ऐसी बनाए गौरक्षकों पर, जो आप नियम बनाने जा रहे हैं उस नियम को अगर आप गौहत्यारों पर बना देंगे तो गौरक्षक भी खुश होंगे और गाय की भी रक्षा होगी। कृपया इस विषय पर विचार किया जाए और इस विषय को केवल गौरक्षकों पर थोपना बंद किया जाए। आशा है आप सब इस चीज से अवश्य समझेंगे और अपनी गाय माता पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करें। इसलिए सभी को मेरी यही प्रार्थना है, जो भी गौरक्षक दल है, जो भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले दल है, उनसे भी प्रार्थना है गाय की रक्षा करें किंतु शांतिपूर्ण करें, ताकि कोई आप पर उंगली ना उठा सके।
यही आशा आप सब अवश्य समझेंगे और इस बात को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरु।